Assalamualaikum everyone. Today we are going to start our video of day 17 and page number 113 means 113. So first of all, write date here and write each work. So let us start. First of all, read the instruction carefully. डिवीजन डिवीजन में आपको कल भी मैंने आपको डिवीजन समझाया था डे 16 में कि आपके पास कुछ चीजें होती हैं आपने उनको इक्वली डिवाइड करना होता है. तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं. अच्छा मुझे आप लोग ये बताएंगे कि आप लोग अपने टॉयज अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ब्रदर्स के साथ या सिस्टर के साथ शेयर करते हैं या नहीं करते. आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें क्या करना होता है अपनी चीज़ों को हमेशा शेयर करना होता है. और जब हम शेयर करते हैं तो हम आपस में क्या होती है मोहब्बत बढ़ती है. चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. हेयर आर 10 बलून्स. यहाँ पे 10 बलून्स है ये आपको दिख भी रहे हैं. यहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट से इन्होंने बलून्स दिए हैं. ड्रॉ टू बलून्स ऑन ईच स्टिक. ईच स्टिक का मतलब ये है हर एक यानी एक स्टिक में आपने कितने बलून्स बनाने होंगे. टू बलून्स बनाने होंगे ड्रॉ करना है. हाउ मेनी स्टिक्स हैव बलून्स ऑन देम. उसके बाद हम टोटल कर लेंगे कि जितने जो स्टिक्स हैं उसमें टोटल कितने बलून्स हुए. चलिए हाउ मैनी स्टिक्स. अब हमें स्टिक्स को बताना है कि वो कितनी स्टिक्स हैं. अब हम पहले स्टिक्स को नहीं काउंट करें. अभी हमें ये पता है कि हमारे पास 10 बलून्स हैं और हमें हर स्टिक में 2 बलून्स ड्रॉ करने हैं. चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं. ड्राइंग तो हर बच्चे को पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. तो आप लोगों ने इसको बहुत प्यारा प्यारा से ड्रॉ करना है. मैं तो बहुत प्यारा प्यारा नहीं कर रही हूँ लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी ड्राइंग करनी है क्योंकि कुछ बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी है और कुछ बच्चे चाहें तो इसमें कलर भी कर सकते हैं ताकि ये आपकी वर्कशीट जो है वो और भी अच्छी लगे. ठीक है इस तरह से मैंने 10 बलून्स 2-2 करके ड्रॉ कर दिए हैं. अब मुझे ये काउंट करना है कि मेरे पास स्टिक कितनी थी. बलून्स कितने थे 10 थे. यहाँ लिख दिया 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हर स्टिक में 2 बलून्स लगाए. चलें अब हम टेबल पढ़ लेते हैं. 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास आंसर आ जाए. देंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 यानी जब मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10 यानी मेरे पास आंसर है 5. 5 स्टिक्स थी. ये देखें 1 2 3 4 5 5 स्टिक्स थी. हर स्टिक में 2 बलून्स हमने ड्रॉ कर दिए और टोटल 10 बलून्स थे. ठीक है इस तरीके से ये ग्रुपिंग कर दिया. सेकंड वाला अब आप लोग खुद करेंगे. मैं आपको समझा देती हूँ. हेयर आर 6 बोज. 6 बोज हैं आपके पास. ड्रॉ 2 बोज इन ईच गर्ल्स हेयर. आपने हर बच्ची के बालों में 2-2 बोज लगानी है. हाउ मेनी गर्ल्स हैव बोज. अब आपने बताना है कि टोटल कितनी गर्ल्स हुई. तो जब आप इसमें ये 2 इसमें लगाएंगे 2 इसमें बना देंगे और 2 इसमें बना देंगे. उसके बाद अगर ये क्वेश्चन को देखें 6 बोज हैं और 2 जो है वो आपने हर बच्ची के सर में लगाई हैं तो टोटल कितनी गर्ल्स हुई. तो 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 6 आ जाए. उसके बाद आंसर आप यहाँ लिख देंगे. थर्ड वन देखें. हेयर आर 8 स्टैम्प्स. 8 स्टैम्प्स है आपके पास. ड्रॉ 2 स्टैम्प्स ऑन ईच पोस्ट कार्ड. आपने हर पोस्ट कार्ड में 2-2 स्टैम्प जो है वो ड्रॉ करनी है. उसके बाद आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं. 8 आपके पास स्टैम्प्स थी. आपने हर पोस्ट कार्ड में 2 स्टैम्प्स लगाएं. 2 का टेबल इतना पढ़ें कि 8 आ जाए. तो जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है जज़ाकअल्लाह.